वेलकम टू मैथ एक्सिस ICSE क्लास 10 मैथ्स। तो पिछले वीडियो में हमने सर्किल के पार्ट वन को देखा था, जिसमें आपको कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम्स बताए गए थे। अब आगे जो ये वीडियो है इसमें हम लोग कंटिन्यू करेंगे सर्किल के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है टेंजेंट, उसके बारे में। तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि टेंजेंट क्या होता है, कितने टाइप के टेंजेंट बनते हैं और उनसे रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो सबसे पहले तो हम लोग बात करेंगे टेंजेंट आखिर होता क्या है। टेंजेंट्स हम किसको कहेंगे? देखिए, होता क्या है कि अगर एक सर्कल है और हम लोग अगर एक लाइन ड्रा करें, तो किसी भी सर्किल पे हम एक लाइन तीन तरीके से बना सकते हैं। जैसे कि पहला लाइन हम ड्रा कर सकते हैं जो सर्किल को टच नहीं करेगा। एक तो यह एक ऐसी लाइन है जो सर्किल को किसी पॉइंट पे टच नहीं कर रहा है। दूसरा लाइन हम ड्रा कर सकते हैं जो सर्किल को दो पॉइंट्स पे कट करें, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, ठीक है। और एक थर्ड लाइन बनेगी जो सर्किल को किसी एक पॉइंट पे टच करते हुए, मान लेते हैं कि जो लाइन है यह थर्ड लाइन है जो सर्किल को किसी एक पॉइंट पे टच कर रहा है, ठीक है। यानी किसी भी सर्किल पे हम जो लाइन है उसको तीन तरीके से ड्रा कर सकते हैं। एक सर्किल के लिए एक जो लाइन है उस सर्किल को किसी एक पॉइंट पे कट करेगा, दूसरा जो लाइन है उस सर्किल को किसी दो पॉइंट पे कट कर रहा है, एंड थर्ड लाइन ये है जो सर्किल को किसी पॉइंट पे टच नहीं कर रहा है। तो ऐसे लाइन सेगमेंट जो सर्किल को किसी एक पॉइंट पे टच करते हैं उनको हम बोलते हैं टेंजेंट। क्या बोलते हैं? टेंजेंट। तो टेंजेंट का बस इतना सा डिफिनेशन है कि ऐसा लाइन सेगमेंट जो सर्किल को किसी एक पॉइंट पे टच करे, तो उस लाइन सेगमेंट को हम बोलते हैं टेंजेंट, ठीक है। और जो दो पॉइंट्स पे कट करते हैं इनको हम बोलते हैं सेकेंड। क्या बोलते हैं? सेकेंड। और जो सर्किल को किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं करते हैं इनको हम कुछ नहीं बोलते हैं, सिंपली ये क्या है? तो एक लाइन सेगमेंट है। क्या? एक लाइन सेगमेंट है, ठीक है। तो टेंजेंट का मतलब क्या है कि ऐसा एक लाइन सेगमेंट जो सर्किल को किसी एक पॉइंट पे टच करता है या फिर किसी एक पॉइंट पे को टच करते हुए सर्किल से वो पास कर रहा है, उसको बोला गया टेंजेंट ऑफ द सर्किल। क्या बोला गया? टेंजेंट ऑफ द सर्किल, ठीक है। तो अब इसी टेंजेंट से रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज को हमें पढ़ना है इस सेशन में, इस वीडियो में, ठीक है। तो जो पहला प्रॉपर्टी है कि अगर कोई हम लाइन ड्रा करें जो सर्किल किसी एक पॉइंट पे कट कर रहा है, तो हमने अभी इसको बताया कि क्या है, इसको हम बोलते हैं टेंजेंट। क्या बोलते हैं? टेंजेंट। ये जो पॉइंट ओ है क्या है? सर्किल का सेंटर है। और जो जिस पॉइंट पे जो टेंजेंट है सर्किल को टच करता है, सपोज यहाँ क्या है? पॉइंट पी है, जिसको हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो पहली प्रॉपर्टी यहीं से बनती है कि अगर हम टेंजेंट से, जो टेंजेंट का पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है उसको अगर हम सेंटर से ज्वाइन करें, तो ये क्या बनेगा? ओपी क्या हो जाएगा? तो ओपी हो जाएगा रेडियस। क्या हो जाएगा? रेडियस। और पहला प्रॉपर्टी यही कहता है कि रेडियस और टेंजेंट के बीच में पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पर हरदम कितने का एंगल बनता है? तो 90 डिग्री का। यानी पहली प्रॉपर्टी यही है कि एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड रेडियस एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इज 90 डिग्री। इसको आप लोग नोट कर लें कि एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड रेडियस एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इज 90 डिग्री, ठीक है। यानी कि पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे टेंजेंट और रेडियस के बीच में हरदम कितने का एंगल बनेगा? तो 90 डिग्री का बनेगा, ठीक है। इसको हम अदर वर्ड में भी लिख सकते हैं कि टेंजेंट, या फिर ऐसा लिख सकते हैं कि रेडियस इज परपेंडिकुलर। क्या लिख सकते हैं? कि रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है। तो दो तरीके से इस सेम चीज़ को हम लिख सकते हैं कि जो रेडियस होता है वह पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे क्या होता है? टेंजेंट के परपेंडिकुलर होता है। तो पहला थ्योरम है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा और इसका काफ़ी यूज है क्वेश्चन को सॉल्व करते समय, ठीक है। देन जो नेक्स्ट टॉपिक है कि किसी एक पॉइंट से कितने टेंजेंट हम बना सकते हैं सर्कल पे, अगर कोई एक पॉइंट दिया जाए तो हम कितने टेंजेंट सर्किल पे ड्रा कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे। मान लीजिए यहाँ पे आपको तीन कंडीशंस दिए गए हैं। पहला कंडीशन है कि जो पॉइंट है वो कहाँ है? सर्किल के अंदर है। कोई एक पॉइंट पी है जो सर्किल के अंदर है,
दूसरा कंडीशन है कि जो पॉइंट पी है उस सर्कल पे कहीं है, ये मान लेते हैं पॉइंट पी है उस सर्कल के आउटर बाउंड्री यानी कि सर्कमफ्रेंस पे कहीं पे है, और जो थर्ड टॉपिक है यानी थर्ड पॉइंट है कि जो पॉइंट पी है वो कहीं आउटसाइड द सर्किल है, आउटसाइड द सर्किल है। तो हमसे पूछा गया कि हाउ मेनी नंबर ऑफ टेंजेंट्स या फिर कितने टेंजेंट्स हम ड्रा कर पाएंगे, यही टॉपिक है कि नंबर ऑफ टेंजेंट्स। ठीक है, तो अगर कोई पॉइंट सर्किल के अंदर है तो वहाँ से अगर हम कोई लाइन सेगमेंट पास कराएं, तो जितनी भी लाइन सेगमेंट हम पास कराएं ये क्या हैं, सभी की सभी क्या बन जाएंगी, ये सर्कल को दो पॉइंट पे कट करेंगे। और हम जानते हैं कि जब भी कोई लाइन सेगमेंट सर्किल को दो पॉइंट पे टच करे तो उसको हम क्या बोलते हैं, सेकेंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेकेंड। यानी कोई पॉइंट अगर सर्किल के इनसाइड है, इनसाइड मतलब सर्किल के अंदर है, तो वहाँ से कोई टेंजेंट नहीं बनता है, नो टेंजेंट कह सकते हैं। कोई पॉइंट अगर सर्किल के अंदर है तो उस पॉइंट से कोई टेंजेंट पास नहीं करेगा। ठीक है, एंड जो ये तो आपका फर्स्ट केस था, जब पॉइंट कहाँ था, सर्किल के अंदर था, तो वहाँ से कोई टेंजेंट पास नहीं करेगा। अगर कोई पॉइंट सर्किल पे है तो यहाँ से क्या होगा, और सिर्फ एक ही टेंजेंट पास कर सकता है। और कोई पॉइंट सर्किल पे हो यानी सर्किल के सर्कमफ्रेंस पे कोई पॉइंट हो तो वहाँ से क्या होगा, ओनली वन टेंजेंट पासिंग थ्रू अ पॉइंट ऑन द सर्किल। ठीक है, ओनली वन टेंजेंट। अब जो थर्ड केस है, यहाँ पे क्या है, जो पॉइंट आपका पी है वो क्या है, तो आउटसाइड द सर्कल है। ठीक है, तो जब भी कोई पॉइंट आउटसाइड द सर्कल होगा तो यहाँ से मैक्सिमम टू टेंजेंट पास करेंगे जो सर्किल को टच करेंगे। सपोज ये पी ए टेंजेंट है और ये पी बी टेंजेंट है, यानी कहने का मतलब कि अगर कोई पॉइंट आउटसाइड द सर्किल होगा तो वहाँ से हम सर्किल पे दो टेंजेंट ड्रा कर पाएंगे। तो ये तीनों कॉन्सेप्ट आप लोग इसको नोट कर लें। ठीक है, देन जो हम लोग अगला कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, जो है टेंजेंट बने हैं, जो दो टेंजेंट बन रहे हैं पॉइंट पी से, पी ए और पी बी, इन्हीं पे कुछ रिलेटेड हमें टर्म्स को समझना है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट कर लें, सही बन रहा है। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि अगर कोई पॉइंट सर्किल के बाहर है तो इस पॉइंट से हम सर्किल पर दो टेंजेंट बना पाएंगे, एक टेंजेंट पी ए और दूसरा टेंजेंट पी बी, पी ए एंड पी बी। तो पहला जो थ्योरम है कि अगर किसी सेम एक्सटर्नल पॉइंट से, किसी सेम एक्सटर्नल पॉइंट से सर्किल पर दो टेंजेंट बनेंगे, दोनों टेंजेंट आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। यानी कहने का मतलब कि सेम पॉइंट पी से पी ए टेंजेंट बना है और पी बी टेंजेंट बना है, तो दोनों क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। पी ए इज इक्वल टू क्या होगा, पी बी। इसको हम क्या बोलते हैं, पी ए इज इक्वल टू पी बी। यानी कि थ्योरम ये कहता है कि टेंजेंट फ्रॉम सेम एक्सटर्नल पॉइंट्स आर इक्वल, टेंजेंट फ्रॉम सेम एक्सटर्नल पॉइंट्स आर इक्वल। ठीक है, तो पहली प्रॉपर्टी ये कहती है कि टेंजेंट फ्रॉम सेम एक्सटर्नल पॉइंट्स आर इक्वल। अब ऐसा क्यों होता है, इसका प्रूफ भी हम लोग जानेंगे कि आखिर ये दोनों टेंजेंट आपस में इक्वल क्यों हो जा रहे हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग अभी प्रूफ करेंगे। अभी हम लोगों ने एक थ्योरम पढ़ा है कि जब कभी भी जो टेंजेंट का पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट होता है और रेडियस होता है, उसके बीच में एंगल हरदम कितना होता है कि 90 डिग्री, क्योंकि ओ ए रेडियस है और ए क्या है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, तो एंगल ओ ए पी कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। सेम एंगल ओ पी, ओ बी पी कितना हो जाएगा, तो ये भी कितने का हो जाएगा, 90 डिग्री का। और अगर इसको हम ज्वाइन कर दें ओ पी को, तो दोनों क्या होंगे, तो दोनों एक ट्रेंगल बना लेंगे, ट्रेंगल ओ ए पी एंड ट्रेंगल ओ बी पी। ठीक है, तो अगर इन दोनों ट्रेंगल्स को हम लोग क्या करें, आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दें, तो बाई सी पी सी टी जो ये दोनों टेंजेंट हैं आपस में क्या हो जाएंगे, तो इक्वल प्रूफ हो जाएंगे। ठीक है, तो लेते हैं इन ट्रेंगल ओ ए पी एंड ट्रेंगल ओ बी पी, इसमें क्या हो जाएगा, तो ओ ए इज इक्वल टू ओ बी, क्योंकि दोनों क्या हैं, तो रेडियाई ऑफ द सेम सर्किल के रेडियाई हैं। ठीक है, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि टेंजेंट और रेडियस के बीच का एंगल हरदम क्या होता है, तो 90 डिग्री होता है। और ओ पी क्या है, तो दोनों कॉमन है, ओ पी इक्वल टू ओ पी, क्योंकि दोनों क्या हैं, तो कॉमन है आपस में। ठीक है, यानी कि ट्रेंगल ओ ए पी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रेंगल ओ बी पी के बाई आर एच एस बाई
RHS कैसे हुआ है, तो राइट हैंड एक एंगल 90 का है, दूसरा हाइपोटेनस दोनों में कॉमन है और दोनों का एक एक साइड इक्वल है, ठीक है। तो CPCT में हमें क्या मिलेगा कि जो PA है, PA इज इक्वल टू PB बाई CPCT, ठीक है। तो ये आपका प्रूफ हो चुका है कि आखिर टेंजेंट फॉर्म, यानी थ्योरम ये कहता है कि टेंजेंट फॉर्म सेम एक्सटर्नल पॉइंट्स आर इक्वल। आप लोग इसको याद कर लीजिएगा कि जब कभी भी किसी एक्सटर्नल पॉइंट से सेम सर्किल पे दो टेंजेंट बनेंगे, दोनों के दोनों टेंजेंट आपस में हरदम क्या होते हैं, तो इक्वल होते हैं। इस पे बहुत सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। देन अगला जो टॉपिक हम लोग का है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि अगर कितने तरीके से हम सर्किल पे टेंजेंट बना सकते हैं। क्यों दो सर्किल दिया जाए तो दो सर्किल के बीच में हम कैसे कैसे टेंजेंट्स को ड्रा कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए दो टाइप के टेंजेंट बनते हैं, एक होता है कॉमन टेंजेंट, कॉमन टेंजेंट्स, और दूसरा होता है ट्रांसवर्स, ट्रांसवर्स टेंजेंट्स, ठीक है। कॉमन टेंजेंट एंड ट्रांसवर्स टेंजेंट, अब इन दोनों का मतलब क्या है कि अगर हमें दो सर्किल दिया जाए, सपोज ये सर्किल पहला सर्किल है, दूसरा सर्किल है, और यहाँ भी हमें दो सर्किल दिए जा रहे हैं, सर्किल वन एंड सर्किल टू, तो इन पे हम दो तरीके से टेंजेंट्स को ड्रॉ कर सकते हैं कॉमन टेंजेंट को। एक होता है कॉमन टेंजेंट और दूसरा होता है ट्रांसवर्स टेंजेंट। कॉमन टेंजेंट का मतलब ये है कि अगर ऐसे ड्रा करें, दोनों को सीधा अटच कर रहा है, तो इनको हम बोलते हैं कॉमन टेंजेंट। क्या बोलते हैं? कॉमन टेंजेंट। और अगर ऐसे हम ड्रा कर रहे हैं कि एक को कहीं ऊपर साइड में टच कर रहा है, दूसरे वाले को किसी नीचे पॉइंट पे टच कर रहा है, इनको हम बोलते हैं ट्रांसवर्स टेंजेंट। क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्स टेंजेंट। और ये वाला है कॉमन टेंजेंट। इसको बस हम लोग नोट कर लेंगे क्योंकि एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि फाइंड द लेंथ ऑफ कॉमन टेंजेंट, फाइंड द लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स टेंजेंट। तो अगर ट्रांसवर्स टेंजेंट बोला जाए तो हमें फिगर ऐसे बनाना पड़ेगा, और कॉमन टेंजेंट अगर दिया जाए तो हमें फिगर ऐसे ड्रा करना पड़ेगा। तो बस इसको मतलब कि रिमाइंड रखना है, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो टेंजेंट हम ऐसे ड्रा करेंगे, कॉमन के लिए इस तरीके से ड्रा करना है, एंड ट्रांसवर्स टेंजेंट के लिए हमें ऐसे टेंजेंट को ड्रा करना है, ठीक है। ऐसे ही बना सकते हैं, दूसरा टेंजेंट हम चाहें तो ऐसे ड्रा कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ भी कॉमन ऐसे हो सकता है ड्रा, ठीक है। यानी कि अगर दो सर्किल दिए गए हैं तो दो कॉमन टेंजेंट बनते हैं और दो ही ट्रांसवर्स टेंजेंट हम ड्रा कर पाते हैं। देन जो नेक्स्ट टॉपिक है कि अगर दो कॉर्ड दिए जाएँ और दोनों कॉर्ड सर्किल में किसी पॉइंट पर एक दूसरे को इंटरनली कट कर रहे हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि अगर हमें दो कॉर्ड दिए जाएं, अब कॉर्ड क्या होता है, तो कोई भी लाइन सेगमेंट जो सर्किल में सर्किल को दो पॉइंट पे कट करता है उसको हम क्या बोलते हैं? कॉर्ड। जैसे ये है AB भी एक कॉर्ड है और CD एक कॉर्ड है, CD एक कॉर्ड है और दोनों कहाँ कट कर रहे हैं? तो पॉइंट P पे कट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको आप लोग याद कर लें कि अगर कहीं पर दो कॉर्ड किसी सर्किल में किसी पॉइंट पर इंटरनली एक दूसरे को कट कर रहे हैं, तो जो दो सेगमेंट्स बने हैं, जैसे AB कॉर्ड का दो सेगमेंट बन गया AP और PB, AB कॉर्ड के दो सेगमेंट बन गए हैं, कौन कौन से? AP और PB। यानी कहने का मतलब क्या होता है कि AP इंटू PB का मल्टीप्लाई, अब जो CD कॉर्ड है इसके भी दो सेगमेंट हैं, कौन सा? CP इंटू PD, इनके बराबर होगा, CP इंटू PD के बराबर होगा। इसको आप लोग याद कर लें, इससे सीधा क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जब कभी भी दो कॉर्ड आपस में इंटरनली कट करते हैं तो जो उनके कोरेस्पॉन्डिंग सेगमेंट्स हैं उनका मल्टीप्लाई करने पे आंसर एकदम क्या आएगा? सेम आएगा। जैसे कि AP इंटू PB का मल्टीप्लाई CP इंटू PD के इक्वल होगा, ठीक है। इसी पे एक रिजल्ट और है कि अगर किसी को इसका प्रूफ जानना है तो करे क्या हो कि इन दोनों ट्रायंगल्स को आपस में सिमिलर कर देगा, ट्रायंगल CAPC एंड ट्रायंगल DPB, अगर इनको हम आपस में सिमिलर प्रूफ कर लें और कोरिस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो लें तो ये सेम रिजल्ट हमें मिलेगा, ठीक है। देन अगला टॉपिक है इसी में कि अगर अभी हमने देखा है कि जब कॉर्ड एक दूसरे को इंटरनली कट करते हैं तो क्या होता है, अब हम देखेंगे कि जब कॉर्ड एक दूसरे को अगर एक्सटर्नली कट करें, जैसे कि ये एक कॉर्ड है और एक दूसरा कॉर्ड ये है, ये कॉर्ड AB है और ये कॉर्ड CD है और दोनों किसी एक्सटर्नल पॉइंट P पे एक दूसरे को कट कर रहे हैं। अभी हमने देखा है जब कॉर्ड AB और CD इंटरनली कट करते हैं तो इनके जो सेगमेंट्स होते हैं उनका मल्टीप्लाई क्या होता है? आपस में इक्वल होता है। तो इस केस में भी सेम होता है कि जो AP का लेंथ है, AP इंटू BP का मल्टीप्लाई
सीपी इंटू डीपी के इक्वल होगा। यानी कि दोनों ही केस में जब कॉर्ड एक दूसरे को इंटरनली कट करें या फिर एक्सटर्नली कट करें, दोनों ही केस में इनका जो मल्टीप्लाई होता है आपस में इक्वल होता है। ठीक है, तो आप इसको याद कर लेंगे, बाकी अभी जो हम लोग जो पढ़ेंगे आगे जो थ्योरम्स दिए गए उनको। एक सर्किल दिया गया है जिसमें एक क्या किया गया है, तो एक कॉर्ड ड्रा किया गया है, कॉर्ड ए बी है और पॉइंट जो कॉर्ड का पॉइंट बी है, यहाँ से हम एक टेंजेंट ड्रा करें। यहाँ से हम क्या ड्रा कर रहे हैं, तो एक टेंजेंट ड्रा कर रहे हैं। ए बी हमारा कॉर्ड है, ए बी कॉर्ड है और जो लाइन एल है ये क्या है, मान लेते हैं जो लाइन टी है, ये जो लाइन टी है ये क्या है, टेंजेंट है जो पास कर रहा है पॉइंट बी से। तो ए बी क्या है, तो कॉर्ड है और जो लाइन टी लाइन है ये क्या है, टेंजेंट है। तो कॉर्ड और टेंजेंट के बीच में यहाँ पे क्या बन रहा है, तो एक एंगल बन रहा है। ठीक है, एक एंगल इस साइड बन रहा है, दूसरा वाला एंगल इस साइड क्रिएट हो रहा है, दो एंगल बन रहे हैं। ठीक है, तो अगर इस सेम कॉर्ड के एंड पॉइंट से अगर हम यहाँ पे कोई सर्किल एंगल क्रिएट करें, ये देखिए क्या हुआ कि कॉर्ड ए बी है, कॉर्ड ए बी और टेंजेंट के बीच में जो एंगल बना हुआ है, सेम कॉर्ड ए बी से अगर हम सर्कमफ्रेंस पे कहीं कोई एंगल बना रहे हैं, तो ये दोनों एंगल क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। इनको बोलते हैं हम एंगल इन अल्टरनेट सेगमेंट। क्या बोलते हैं, एंगल इन अल्टरनेट सेगमेंट्स। इसको क्या बोला जाता है, तो एंगल इन अल्टरनेट सेगमेंट। अगर सेम कॉर्ड है, ए बी भी एक कॉर्ड है और ये जो लाइन है ये क्या है, टेंजेंट है, तो कॉर्ड और टेंजेंट के बीच में जो एंगल बना है कॉर्ड द्वारा बाकी रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्किल पे बना हुआ एंगल और टेंजेंट और कॉर्ड के बीच में बना हुआ एंगल, ये दोनों क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। इसको बोलते हैं एंगल इन अल्टरनेट सेगमेंट। जैसे कि इस साइड में ये वाला एंगल बना है, तो इस कॉर्ड से अगर यहाँ पर कोई एंगल क्रिएट किया जाए तो ये वाला एंगल इस वाले के बराबर हो जाएगा। तो इनको हम क्या बोलते हैं, सिंपल सा नाम याद रखना है, एंगल इन अल्टरनेट सेगमेंट। ठीक है, देन एक और रिजल्ट है इसी में कि अगर इन सबको आप लोग नोट करते समय एक करें ताकि क्वेश्चन सॉल्व करने में काफ़ी आसानी हो। अब यहाँ और रिजल्ट है कि अगर एक सर्कल है और ए बी एक कॉर्ड है, ये क्या है, ए बी एक कॉर्ड है जिसको हम पॉइंट पी तक आगे इंक्रीज किए हैं और पी टी एक टेंजेंट है। पी टी क्या है, तो एक टेंजेंट है, पी टी एक टेंजेंट है। यानी यहाँ पे क्या हुआ है कि ए बी कॉर्ड और पी टी टेंजेंट दोनों एक दूसरे को एक्सटर्नली कहीं कट कर रहे हैं, एक्सटर्नली कहीं किसी पॉइंट पे कट कर रहे हैं। तो इसका रिजल्ट ये कहता है कि जो टेंजेंट का स्क्वायर होगा, पी टी का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो ए पी यानी बाहर का पूरा ए साइड ए पी इंटू में बी पी, ए पी इंटू में बी पी। ठीक है, तो इसको भी हमें याद रखना है कि जब कभी भी कोई टेंजेंट और कॉर्ड एक्सटर्नली कट करेंगे तो उनके सेगमेंट टेंजेंट के लेंथ का स्क्वायर और कॉर्ड के सेगमेंट्स का मल्टीप्लाई आपस में क्या होगा, बराबर होगा। यानी कहने का मतलब कि टेंजेंट पी टी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए पी इंटू पी बी। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम्स थे जिनको यूज करके हमें अपने आने वाले एक्सरसाइज को सॉल्व करना है। ठीक है, और भी कुछ रिजल्ट्स हैं जिनको आप एक बार रिमाइंड कर लें। जैसे कि इसमें दिया गया है कि टेंजेंट अगर दो सर्किल एक दूसरे को इंटरनली कहीं कट कर किसी पॉइंट पे ऐसे टच कर रहे हैं, इंटरनल इंटरसेक्शन है और ये क्या है, किसी पॉइंट पे ऐसे टच कर रहा है, एक्सटर्नली टच कर रहा है। ठीक है, तो इसका सेंटर मान लेते हैं कि ओ है, इसका सेंटर ओ डैश है, यहाँ पे इसका सेंटर बड़े वाले का ओ है, दूसरे वाले का सेंटर ओ डैश है। ठीक है, इसका रेडियस क्या है, तो आर वन है बड़े वाले का और छोटे वाले का रेडियस आर टू है। इसमें क्या है, बड़े वाले का रेडियस आर वन है और इसका रेडियस आर टू है। ठीक है, तो जब सर्किल एक दूसरे को इंटरनली किसी पॉइंट पे टच करेंगे तो इनके सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर होगा। डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स क्या है, तो डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर। ठीक है, और ये क्या है, जब एक्सटर्नली कट करेंगे किसी पॉइंट पे तो इनके जो सेंटर उनके बीच का डिस्टेंस आर वन प्लस आर टू होगा, दोनों को हम सिंपली ऐड कर देंगे। तो ये सब चीज़ें कुछ हमें याद रखनी है ताकि जब हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करें तो उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम ना फेस करना पड़े, क्योंकि ये सब चीज़ें हमसे पूछी जाएंगी। ठीक है, तो कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स नोट करेंगे, इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स जिनको हमें अपने एग्जाम के क्वेश्चन को सॉल्व करते समय यूज करना है। अभी हमने एक थ्योरम पढ़ा था कि जब एक सर्किल दिया जाए
और इस सर्किल पे हम दो टेंजेंट बनाएं किसी पॉइंट पी से, तो दोनों टेंजेंट क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। जो दो टेंजेंट्स बने हैं पॉइंट पी से, ये दोनों क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, मैंने आपको पढ़ाया था कि जब कभी भी किसी सेम एक्सटर्नल पॉइंट से सर्किल पे दो टेंजेंट बनते हैं, दोनों टेंजेंट क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं। रिजल्ट ये हैं कि जो इनके बीच का एंगल है, जो दोनों टेंजेंट बने हैं, दोनों टेंजेंट के बीच का जो एंगल है जो पॉइंट पी पे है, ये और इनके द्वारा बना हुआ सेंटर पे एंगल, इन दोनों का सम हरदम होता है 180 डिग्री। यानी दोनों क्या होते हैं, आपस में सप्लीमेंट्री होते हैं। आपस में क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री। इस रिजल्ट को आप लोग याद रखेंगे कि जब कभी भी किसी सेम एक्सटर्नल पॉइंट से सर्किल पे दो टेंजेंट बनेंगे, तो टेंजेंट्स के बीच का एंगल और इन्हीं के द्वारा बना हुआ सेंटर पे एंगल, देखिए दो टेंजेंट हैं, इन दो टेंजेंट से सेंटर पे एंगल बन रहा है रेडियस के बीच में पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे। ठीक है, जो सेंटर पे एंगल बन रहा है, ये टेंजेंट और टेंजेंट्स के द्वारा सेंटर पे बना हुआ एंगल, ये दोनों हरदम क्या होते हैं, एक दूसरे के सप्लीमेंट्री होते हैं। यानी कहने का मतलब कि इनके सामने सामने हरदम सम करने पे 180 आएगा। तो इस रिजल्ट को आप लोग याद रखेंगे। बाकी अब जो भी है, पहले हम लोग कुछ जो थ्योरम्स अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है उसको रिपीट करेंगे, देन अपने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो पहला थ्योरम हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि अगर कोई लाइन सेगमेंट हम ड्रा करें जो सर्किल को किसी एक पॉइंट पे कट करे, तो इसको हम बोलते हैं टेंजेंट। ठीक है, इसके बाद जस्ट मैंने आपको बताया था कि अगर सेंटर से हम पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को ज्वाइन करें, यानी कि जो लाइन इसको ज्वाइन करती है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को सेंटर से, ओपी क्या होगा, तो रेडियस होगा, और रेडियस और टेंजेंट के बीच का एंगल हरदम कितने का होता है, तो 90 डिग्री का। ठीक है, जो मैंने आपको जो आगे पढ़ाया था सेकेंड वाला, कि अगर किसी सेम एक्सटर्नल पॉइंट से सर्किल पर दो टेंजेंट बनाएं, दोनों टेंजेंट क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, फिर मैंने आपको जस्ट अभी बताया है कि टेंजेंट के बीच का एंगल और टेंजेंट्स के द्वारा सेंटर पे बना हुआ एंगल, ये दोनों हरदम क्या होते हैं, आपस में सप्लीमेंट्री होते हैं। ठीक है, देन इसी में हम लोगों ने पढ़ा है कि अगर दो कॉर्ड सर्किल को इंटरनली कट करें, तो दोनों के सेगमेंट्स का मल्टीप्लाई आपस में क्या होता है, इक्वल होता है। कहने का मतलब कि AP इंटू PB, ये दोनों क्या होंगे, किसके बराबर होंगे, CP इंटू PD के। देन मैंने आपको इसी में बताया था कि अगर कॉर्ड एक्सटर्नली कट करें तभी भी इनका मल्टीप्लाई क्या होता है, आपस में, तभी भी इनके जो सेगमेंट्स बन रहे हैं इनका मल्टीप्लाई आपस में इक्वल होता है। कैसे, तो AP इंटू PB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो CP इंटू DP। ठीक है, देन हम लोगों ने अभी एक और प्रॉपर्टी पढ़ा है कि अगर कोई कॉर्ड है और कोई टेंजेंट है, ये दोनों अगर एक्सटर्नली कट करें तो क्या होगा, उसको एक बार रिपीट कर लें फिर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कि अगर एक कॉर्ड है, या कॉर्ड है और एक टेंजेंट है, तो अगर ये एक्सटर्नली कट करेंगे तो क्या होगा। तो यहाँ भी क्या था कि इनके सेगमेंट्स का मल्टीप्लाई और टेंजेंट का स्क्वायर आपस में इक्वल था। यानी कहने का मतलब कि PT का स्क्वायर, टेंजेंट PT का स्क्वायर इक्वल टू क्या था, तो PA इंटू में PB। तो ये हमें रिजल्ट मिला था। और एक और इम्पॉर्टेंट थ्योरम था कि अगर कोई कॉर्ड है और टेंजेंट है, तो कॉर्ड और टेंजेंट के बीच में बना हुआ एंगल सेम कॉर्ड द्वारा रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्किल पे बने हुए एंगल के बराबर होता है, इसको बोलते हैं एंगल इन अल्टरनेट सेगमेंट्स। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट थे कह लो, या फिर कुछ इंपॉर्टेंट कंडीशंस थे, थ्योरम्स थे, जिनको हमें याद रखना है, और इन्हीं पे बेस्ड क्वेश्चन को हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू। तो जो पहला क्वेश्चन हमें दिया गया है कि इन द गिवन फिगर ट्रायंगल ABC सर्कमस्क्राइब। ठीक है, यानी हमें एक ट्रायंगल दिया गया है ABC जो सर्कमस्क्राइब्ड है। सर्कमस्क्राइब्ड कहने का मतलब कि ट्रायंगल के अंदर हमें एक सर्किल बना के दिया गया है, सर्किल है ट्रायंगल के अंदर। ट्रायंगल कौन सा है, तो ट्रायंगल AB एंड C। ठीक है, यहाँ दिया गया है जो ट्रायंगल है पॉइंट PQ एंड R पे सर्किल को टच कर रहा है, पॉइंट PQ एंड R। AP हमें दिया गया है 4 सेंटीमीटर, BP दिया गया है 6 सेंटीमीटर, हमसे पूछा जा रहा है लेंथ ऑफ BC, और AC हमें दिया गया है पूरा 12 सेंटीमीटर।
एसी दिया गया है 12 सेंटीमीटर, हमसे पूछा जा रहा है कैलकुलेट द लेंथ ऑफ बीसी, ठीक है। तो देखिए इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। हम लोगों ने अभी एक कंडीशन पढ़ा है या फिर अभी हम लोगों ने एक थ्योरम पढ़ा है कि टेंजेंट फ्रॉम सेम एक्सटर्नल पॉइंट्स आर इक्वल। अभी हम लोगों ने पढ़ा है ना कि टेंजेंट्स फ्रॉम सेम एक्सटर्नल पॉइंट्स आर इक्वल, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि जो AP होगा वो AR के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि दोनों क्या हैं, सेम पॉइंट A से दोनों के दोनों टेंजेंट हैं। यानी AP इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो AR हो जाएगा, यानी कि AR का लेंथ कितना आएगा 4 सेंटीमीटर, क्योंकि हमें AP 4 दिया गया है, ठीक है। और हमें ये भी गिवन है कि AC इक्वल टू क्या है 12, तो हम लोग AC को लिख सकते हैं AR प्लस RC इज इक्वल टू 12। AR जो हमें कितना दिया गया है तो 4 सेंटीमीटर, RC हमें फाइंड करना है इज इक्वल टू 12, तो RC इक्वल टू आ जाएगा 12 माइनस 4, यानी कि RC हो जाएगा 8 सेंटीमीटर, ठीक है। यानी कि ये लेंथ कितना आ गया 8 सेंटीमीटर। और जो हम लोगों ने अभी बताया कि टेंजेंट फ्रॉम सेम एक्सटर्नल पॉइंट्स आर इक्वल, इसका मतलब क्या हुआ कि BR BP इज इक्वल टू BQ हो जाएगा, क्योंकि दोनों के दोनों पॉइंट B से टेंजेंट हैं। यानी कि BP इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो BQ जो कि हो जाएगा कितना 6 सेंटीमीटर, क्योंकि BP हमें कितना दिया गया है 6 सेंटीमीटर, ठीक है। एंड BP दिया गया हमें 6 सेंटीमीटर। एंड सेम ऐसे ही हो जाएगा कि RC इक्वल टू QC, RC इज इक्वल टू QC, और RC कितना है 8 सेंटीमीटर, तो QC भी क्या हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। और हमसे पूछा गया था लेंथ ऑफ BC, तो BC इक्वल टू क्या आएगा, तो BQ प्लस QC, जो कि आ जाएगा 6 प्लस 8 14 सेंटीमीटर, कितना आ जाएगा तो 14 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हम लोग जो भी थ्योरम्स पढ़े हैं उनका यूज़ करके हम लोग अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देन हम लोग एक और एग्जांपल देखेंगे कि इसको हम लोग आखिर कैसे सॉल्व करें। देन जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपसे बोर्ड एग्जाम 2012 में पूछा गया था। इसमें दिया गया है कि O इज द सेंटर ऑफ द सर्किल एंड AB इज अ टेंजेंट। AB क्या है, तो टेंजेंट है एट B। इफ AB इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, हमें टेंजेंट का लेंथ दिया गया है 15 सेंटीमीटर एंड AC दिया गया है 7.5 सेंटीमीटर। AC कितना दिया गया है, तो 7.5 सेंटीमीटर। हमसे पूछा जा रहा है फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्किल, क्या पूछा जा रहा है, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, ठीक है। तो हम जानते हैं कि अगर हम टेंजेंट को सेंटर से ज्वाइन कर दें तो टेंजेंट और रेडियस के बीच में एंगल कितने का बनेगा, तो 90 डिग्री, ठीक है। क्योंकि पहला थ्योरम मैंने आपको यही पढ़ाया था कि एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड रेडियस एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इज 90 डिग्री, ठीक है। तो एंगल बी कितने का हो जाएगा, एंगल बी हो जाएगा 90 डिग्री का, ठीक है। यानी कि ओ बी ए या क्या बन जाएगा, तो एक राइट एंगल ट्रेंगल। अगर हम रेडियस आर मान लें तो ओ बी भी आर होगा, ओ सी भी क्या होगा, तो आर हो जाएगा। ए सी हमें दिया गया है 7.5 एंड ए बी दिया गया है 15। ए बी कितना दिया गया है, तो 15। तो अगर इसमें हम लोग इन ट्रेंगल ओ बी ए क्या हो जाएगा कि ओ सी का स्क्वायर, ओ ए का स्क्वायर, सॉरी ओ ए का स्क्वायर, ओ ए क्या है तो हाइपोटेनस है, ओ ए का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ बी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर। अब ओ ए कितना है, तो ओ ए मतलब कि ओ सी प्लस सी ए, यानी कि आर प्लस 7.5, क्या हो जाएगा आर प्लस 7.5 का स्क्वायर इज इक्वल टू आर का स्क्वायर प्लस ए बी कितना दिया गया है 15, तो 15 का स्क्वायर। यानी जब इसको हम लोग एक्सपेंड करेंगे इस वाले को, ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस 7.5 का होल स्क्वायर इंटू में प्लस 2 इंटू में आर इंटू में 7.5 इज इक्वल टू में आर स्क्वायर प्लस 225। जब इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा कि आर स्क्वायर प्लस में 75 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 5 25 5 7 35 प्लस 2 37 5, और ये 49 प्लस 3 52, जो कि आएगा 5 2 6 5, यानी कि 56.25 प्लस में 15 आर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस 225। तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा क्या कि 15 आर इज इक्वल टू में 225 माइनस 56.25, ठीक है। जब इसको सब्ट्रैक्ट किया जाएगा तो क्या आएगा, तब
इसमें से इसको हम लोग माइनस करेंगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, माइनस कर लीजिए आप लोग 2825.00 56.25, तो जब माइनस करेंगे आएगा 75.168, क्या आ जाएगा तो 168.75, यानी कि R इक्वल हो जाएगा 168.75/15, जो कि इसको इससे डिवाइड करने पे आ रहा है 11.25 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देन हम लोग एक और क्वेश्चन इस पे सॉल्व करेंगे और इसके बाद से आप लोग अपने जो भी एक्सरसाइज के क्वेश्चन दिए गए हैं उनको प्रैक्टिस करें। अगले वीडियो में हम लोग कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो आपसे बोर्ड एग्जाम में सर्किल चैप्टर से पूछा गया है। तो जो अपना अगला क्वेश्चन है इसमें दिया गया है, हमें आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा होगा, इसमें बताया गया है कि इन द एडजॉइनिंग फिगर ओ इज द सेंटर ऑफ सर्किल एंड टेंजेंट्स टू द सर्किल एट ए एंड बी मीट एट पॉइंट सी। इफ एंगल ए सी ओ बराबर 30 डिग्री, फाइंड एंगल बी सी ओ, एंगल ए ओ बी एंड एंगल ए पी बी। यह जो क्वेश्चन है आपसे बोर्ड एग्जाम 2011 में पूछा गया था। इसमें फिगर ऐसा कुछ बनाकर दिया गया है कि ये टेंजेंट है ए सी और ए बी, ये दो टेंजेंट हैं, ठीक है, ए सी और ए बी, और हमें दिया गया है कि ये पॉइंट ओ सेंटर है और ये एंगल ए पी बी दिया गया यहाँ पे, और यहाँ दिया जा रहा है कि जो लाइन इनको ज्वाइन कर रही है ओ सी, ये एंगल कितने का है तो 30 डिग्री का है। एंगल कितने का है? 30 डिग्री का। तो हमें फाइंड करना है एंगल बी सी ओ, एंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ बी, एंगल बी सी ओ एंड एंगल ए पी बी। ये तीन एंगल हमसे पूछे गए हैं और ये जो क्वेश्चन है आपसे बोर्ड एग्जाम 2011 में पूछा गया था, ठीक है। तो यहाँ देखिए, सबसे पहले तो मैंने आपको बता रखा है कि जब कभी भी टेंजेंट के बीच में जो एंगल बनता है, इस टेंजेंट द्वारा सेम सेंटर में बना हुआ एंगल, ये दोनों आपस में क्या होते हैं, हरदम सप्लीमेंट्री होते हैं, यानी कहने का मतलब कि इनको सामने सामने ऐड करने पे हरदम कितना आएगा तो 180 डिग्री आएगा। और एक और यहाँ कंडीशन है कि जो ओसी लाइन है, ओसी लाइन जो इनको ज्वाइन करे लाइन ओसी टेंजेंट को, जहाँ से टेंजेंट दो बने हुए हैं, ये हरदम टेंजेंट के बीच के जो एंगल बने हैं, ये एंगल जो क्रिएट हो रहा है इसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, ठीक है। तो जो लाइन ओसी होगा, लाइन ओ सी बाइसेक्ट एंगल ए सी बी, ए सी बी। अगर ये जानना हो कैसे हुआ तो अब दोनों ट्रेंगल्स को क्या कर लें, कॉन्वेंट प्रूफ कर लें, और सी पी सी टी से क्या हो जाएगा, दोनों एंगल आपस में इक्वल हो जाएंगे, यानी कि ओ सी बाइसेक्ट्स एंगल ए सी बी, यानी क्या हो जाएगा कि एंगल ए सी ओ इज इक्वल हो जाएगा एंगल बी सी ओ, यानी एंगल बी सी ओ कितने का आ जाएगा तो 30 डिग्री हमसे ये पूछा गया था, ठीक है, कि एंगल बी सी यू कितने का होगा तो कितने का आ गया 30 डिग्री का। और मैंने आपको अभी बताया है कि एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड द एंगल सस्टेंस बाई टेंजेंट एट द रेडियस एट द सेंटर, ये दोनों हरदम क्या होते हैं, आपस में सप्लीमेंट्री होते हैं, यानी कहने का मतलब कि एंगल ए सी बी प्लस एंगल ए ओ बी कितना आएगा तो 180 का आएगा, एंगल ए सी बी कितने का है तो 30 + 30 यानी कि 60 डिग्री प्लस एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 180 डिग्री, यानी एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू कितने का हो जाएगा तो 180 - 60, एंगल ए ओ बी आएगा कितने का तो 120 डिग्री का, ठीक है। तो ये सेकेंड क्वेश्चन हमसे पूछा गया था कि फाइंड द एंगल ए ओ बी जो कितने का हो जाएगा 120 डिग्री। अब हमसे पूछा गया है फाइंड एंगल ए पी बी, तो जो हम लोगों ने पिछले वीडियो में आपको थ्योरम पढ़ाया था कि जब कभी भी किसी आर्क से अगर सेंटर पर कोई एंगल बन रहा है तो सेम आर्क से रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्किल पे बना हुआ एंगल हरदम सेंटर वाले का क्या होता है, इसका हाफ होता है, ठीक है। यानी कि अगर यहाँ पे देखा जाए तो जो एंगल ए ओ बी है वो ए बी आर्क से कहाँ बना है, सेंटर पे बना है, जो कितने का है तो 120 डिग्री का। तो सेम आर्क ए बी से रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्किल पे बना हुआ एंगल क्या होगा तो इसका हाफ होगा, यानी कि एंगल ए पी बी कितने का आ जाएगा 60 डिग्री। लेकिन हम लोग इसको नोट कैसे करेंगे, तो लिखेंगे एंगल ए पी बी इज हाफ एंगल ए ओ बी, और रीजन क्या दिया जाएगा यहाँ पे कि एंगल एट सेंटर इज इक्वल टू डबल एट द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्किल, रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल, ठीक है।
देखिए थ्योरम जो है काफ़ी लंबा है, बस इसको शॉर्ट में लिखा सकता है कि एंगल एट सेंटर इज इक्वल टू डबल डबल द एंगल एट द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्किल, यानी कि जो एंगल ए पी बी होगा वो क्या होगा, हाफ ऑफ एंगल ए ओ बी, यानी एंगल ए पी बी कितना आ जाएगा, तो 1/2 × 120, एंगल ए पी बी आ जाएगा 60 डिग्री। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे और कुछ सर्किल के इंपॉर्टेंट थ्योरम हमने अभी पढ़ा है, बाकी आगे की वीडियो में पढ़ेंगे, तब तक लेट थैंक यू।